नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20B का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 14 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो अब से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। क्या करा है, यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स का उपयोग करके हम लोगों को शो करना है कि सो दैट द वर्टिसेस -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड 3, -3, 2 आर दी वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। उन लोगों को स्लोप्स का यूज करके हम लोगों को ये शो करना है कि चारों वर्टिसेज जो है किसका पैरेललोग्राम का है। तो मान लीजिए रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। चारों कोऑर्डिनेट को हम यहाँ मेंशन करते हैं। A का कोऑर्डिनेट है -2, -1, ओके। B का कोऑर्डिनेट है 4, 0, C का है 3, 3 और D का है -3, 2, ओके। अब लोग ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये साइड जो होगा इस साइड के पैरेलल होगा, ये दिखाना है हम लोगों को, और ये साइड जो होगा तो इस साइड के पैरेलल होगा, ये दिखाना है हम लोगों को। मतलब AB पैरेलल टू CD लिखेंगे, टू शो, ये दिखा देंगे कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, तब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लाइन पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे AB पैरेलल टू CD हम लोगों को दिखाना है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये पैरेलल ये है, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग क्या करेंगे, AB BC CD और DA का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, लिखेंगे स्लोप ऑफ AB। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, जब दो पॉइंट हम लोगों को पता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये तो हम जानते हैं। इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट क्या है, m1, ओके। यहाँ पे लिखेंगे m1 इक्वल टू y2। देखिए AB में क्या होता है, A पहले आता है, B बाद में आता है, x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू कितना है, 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -1, निगेटिव है, ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन में x2 यानी कि 4 - x1, x1 का वैल्यू कितना है, निगेटिव है, -2, तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा -, क्या हो, ये 0 -, हो जाएगा +1 अपॉन में, ये हो जाएगा 4 - -+2, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6। तो दोस्तों देखिए m1 का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया बताइए, 1 अपॉन में 6 मिला। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, देखिए m1 का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, 1 अपॉन 6, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप BC का भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट CD का भी निकाल सकते हैं, जैसे मन कर उस तरह से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए BC का निकाल, चारों स्लोप तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे BC या सामने सामने वाला साइड एक साथ में निकाल दीजिए। देखिए AB निकाले हैं ना यहाँ पे, तो CD का पहले निकाल दीजिए, लिखेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। CD का स्लोप के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। इसका स्लोप मान लेते हैं क्या है, m2 है, m1 है, यहां मान लेते हैं m2 है, ओके। ये m2 इक्वल टू हो जाएगा, m2 इक्वल टू, देखिए यहां पे CD के लिए क्या हो जाएगा, C पहले आता है, D बाद में आता है, x1 y1 x2 y2। तो y2 - y1 करेंगे, देखिए x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 - y1 का वैल्यू कितना है, 3। देखिए y1 का वैल्यू कितना है, 3 पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में x2 का वैल्यू कितना है, -3, -x1 का वैल्यू कितना है, 3। देखिए यहां पे x1 y1 x2 y2, इसका वैल्यू जस्ट पुट किया यहां पे, ये हो जाएगा हम लोग 2 - 3 जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन में -3 - 6, ये -- कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6। तो m2 का वैल्यू कितना मिल गया, 1 अपॉन 6, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे m2 का वैल्यू हम लोग मिल गया 1 अपॉन 6,
अब देखिए दोस्तों कि ये स्लोप और ये स्लोप आपस में इक्वल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं या एक ही साथ लास्टिंग में लोग मेंशन करेंगे, दोनों इक्वल आ गया, दोनों स्लोप इक्वल आ गया, ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम एडी और सीडी का, एडी और बीसी का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ एडी। इसका मान लेते हैं स्लोप एम थ्री मान लेते हैं, देखिए इसका स्लोप मान लेते हैं एम थ्री, देखिए इसको मान लेते हैं यहाँ पे एम थ्री मान लेते हैं एम थ्री, और ये मान लेते हैं एम फोर। ओके, तो स्लोप हम एम से इंडिकेट करते हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखिए ये हो जाएगा एम फोर एम थ्री इक्वल टू एडी के लिए, देखिए एडी के लिए ये पहले आएगा तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये है टू है। ओके, तो देखिए वाई टू माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वाई टू का वैल्यू कितना है टू है, माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस वन, यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में एक्स टू, देखिए एक्स टू का वैल्यू कितना है, एक्स टू का वैल्यू है माइनस थ्री, एक्स टू का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है माइनस टू, माइनस टू है यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। आगे देखिए ये टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन में हो जाएगा माइनस थ्री, ये जगह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू। आगे देखिए एम थ्री का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा टू प्लस वन कितना होगा थ्री अपॉन में टू में से थ्री जाएगा तो जाएगा माइनस वन, एम थ्री इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव साइन ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस थ्री। अब यहाँ मेंशन कर दीजिए एम थ्री का वैल्यू कितना हो गया, एम थ्री का वैल्यू हो गया कितना माइनस थ्री, और एम फोर का निकालेंगे, ये वैल्यू यदि सेम आ जाएगा तो क्या इलाइन में क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए इसे आगे, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिगर बना दिए हैं और हम बीसी का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ बीसी जिसको डिनोट किया एम फोर से, फॉर्मूला सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, हो जाएगा एम फोर इक्वल टू देखिए वाई टू, देखिए बीसी के लिए क्या हो जाएगा बी पहले आता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू है थ्री माइनस वाई वन का वैल्यू जीरो अपॉन में एक्स टू, थ्री माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है फोर, पॉजिटिव है ब्रैकेट में कोई आवश्यकता नहीं, तो थ्री में जीरो जाएगा थ्री, थ्री में फोर जाएगा माइनस वन, क्या हो जाएगा एम फोर इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव साइन ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस थ्री, तो देखिए एम थ्री और एम फोर का स्लोप इक्वल है, एम वन और एम टू का स्लोप इक्वल है, लिखेंगे हियर एम वन इक्वल टू एम टू, इसका वैल्यू कितना है वन अपॉन सिक्स, देखिए एम वन इक्वल टू एम टू, एम वन और एम टू आपस में इक्वल है, एम वन एम टू क्या स्लोप है, स्लोप इक्वल है मतलब लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, एंड एम थ्री इक्वल टू एम फोर, एम थ्री इक्वल टू एम फोर इक्वल टू कितना माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए दो स्लोप आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल, एम थ्री स्लोप किसका है, एम थ्री स्लोप है एडी का पैरेलल टू एम फोर, एम फोर किसका है बीसी का, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए अपोजिट साइड पैरेलल है मतलब ए बी और सी डी क्या अपोजिट साइड है, देखिए ए बी और सी डी अपोजिट साइड है और ए डी और बी सी क्या है ये भी अपोजिट साइड है, लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हम लोगों को प्रूव करना था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इसे क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए वहां क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया माइनस फोर कॉमा टू, बी का दिया गया टू कॉमा सिक्स, सी का दिया है एट कॉमा फाइव एंड डी का दिया है नाइन कॉमा माइनस सेवन, आर दी वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्या कह रहा है ये चारों पॉइंट जो है तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेज है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग कर देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, चारों क्वाड्रेंट को हम यहां मेंशन कर देते हैं, माइनस फोर कॉमा टू, बी का दिया गया टू कॉमा सिक्स, सी का दिया गया एट कॉमा फाइव,
एंड डी का दिया गया 9, -7। ओके, साथ में क्या कह रहा है कि पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट है पी, ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए दैट ये है पी, बी सी का है क्यू मिड पॉइंट, फिर सी डी, सी डी का है मिड पॉइंट है आर, और डी ए का मिड पॉइंट है एस। ओके, ये सारा मिड पॉइंट दिया, पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट दिया गया है रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी सी डी डी ए का। तो यूजिंग स्लोप्स सो दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो कड़ा स्लोप का यूज करके हम लोग बताना है कि पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी ज्वाइन किए तो क्या बना हम लोगों को, पी क्यू आर एस बना, पी क्यू आर एस। हम लोग शो करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, ये पैरेललोग्राम है। हम लोग पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करना, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो हम लोग शो कर सकते हैं कि क्या है पैरेललोग्राम है। इसके लिए हम लोग क्या होना पता होना चाहिए, मिड पॉइंट पता होना चाहिए पी का क्यू का आर का और एस का। फिर समझिए कि ए बी सी डी हम लोग क्वाड्रेटल दिया गया, जिसका कह रहा है कि पी क्यू आर एस जो है मतलब मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, और आर मिड पॉइंट है सी डी का, और एस मिड पॉइंट है ए डी का। तो हम लोग शो करना है कि पी क्यू आर एस क्या है पैरेललोग्राम में। हम लोग क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे पी क्यू आर एस का, लिखेंगे विनोद, लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, एंड y इक्वल टू होता है y1 वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। ये किसका फॉर्मूला था, मिड पॉइंट का, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ p, तो लिखेंगे देयर फोर मिड पॉइंट ऑफ p। देखिए तो p के लिए देखिए p मिड पॉइंट किसका है, ab का, x1 और ये x2, ये हो गया x1 का वैल्यू कितना है माइनस फोर, प्लस x2 का वैल्यू कितना है टू बाई में टू कॉमा y1 ये टू प्लस y2 कितना सिक्स अपॉन में टू। सॉल्व कर लीजिए तो t का कितना हो जाएगा, देखिए टू में से फोर जाए तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन में टू कॉमा, तो ये टू प्लस सिक्स एट अपॉन में टू, तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैंसिल कीजिए हो जाएगा माइनस वन कॉमा फोर, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस वन कॉमा फोर। आगे देखिए यहां पे आप मेंशन भी कर सकते हैं पी का कोऑर्डिनेट निकल गया माइनस वन कॉमा फोर, और हम क्या निकालेंगे क्यू का, तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ क्यू। देखिए क्यू के लिए क्या है, देखिए क्यू के लिए क्यू किसका मिड पॉइंट है बीसी का, तो बी वाला क्या हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन का वैल्यू है टू प्लस एक्स वन का वैल्यू है एट अपॉन में टू कॉमा वाई वन, वाई वन का वैल्यू है सिक्स प्लस वाई टू, वाई टू का वैल्यू कितना है एट सॉरी फाइव अपॉन में टू। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए टू प्लस एट टेन अपॉन में टू कॉमा सिक्स प्लस फाइव इलेवन अपॉन में टू हो जाएगा, कैंसिल कीजिए इसको तो हो जाएगा फाइव, क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा फाइव कॉमा इलेवन अपॉन टू। यहां मेंशन कर दीजिए क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया ये फाइव कॉमा इलेवन अपॉन टू। ठीक है, इसी तरह से आर और एस का निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में इससे आगे देखिए लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ आर, देखिए आर का मिड पॉइंट, आर किसका मिड पॉइंट है देखिए सी डी का, सी पहले आता थी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू करेंगे एट प्लस नाइन हो जाएगा एट प्लस नाइन अपॉन में टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, तो वाई वन का वैल्यू कितना है फाइव प्लस वाई टू, वाई टू का वैल्यू कितना है माइनस सेवन, यहाँ हम ब्रैकेट यूज करेंगे अपॉन में टू। नेक्स्ट स्टेप देखिए आर का मिड पॉइंट हो जाएगा नाइन प्लस एट कितना सेवनटीन अपॉन में टू, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन में टू, आर का मिड पॉइंट हो जाएगा सेवनटीन अपॉन टू कॉमा, देखिए फाइव में सेवन जाए तो जाएगा माइनस टू अपॉन में टू, कैंसिल हो जाएगा वन, आर का कोऑर्डिनेट हम लोग मिल गया सेवनटीन अपॉन में टू कॉमा माइनस वन।
कितना मिल गया 17 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1, यहाँ मेंशन कर लीजिए कि आर है तो जगह 17 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1। अब एस का मिड पॉइंट निकालेंगे तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एस, फॉर्मूला सेम रहेगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। एस के लिए देखिए एस किसका मिड पॉइंट, एडी के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू करेंगे बाय टू, एक्स वन है माइनस फोर प्लस एक्स टू है नाइन अपॉन में टू, वाई वन वाई वन का वैल्यू कितना है टू प्लस वाई वन का वैल्यू कितना है टू और वाई टू का वैल्यू कितना है माइनस सेवन, तो निगेटिव साइन है यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में टू। आगे देखिए एस का मिड पॉइंट हो जाएगा, देखिए नाइन में से फोर जाएगा कितना हो जाएगा फाइव अपॉन में टू कॉमा, ये हो जाएगा टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन में टू। एस का मिड पॉइंट हो जाएगा फाइव बाई टू कॉमा टू में सेवन जाए तो हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन में टू, या मेंशन कर दीजिए फाइव कॉमा टू माइनस फाइव कॉमा टू। अब देखिए पी का क्यू का आर का और एस का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को शो करना है क्या है पैरेललोग्राम में, हम लोग रफ में यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, ये पी क्यू आर एस यहाँ पे डाल देंगे ताकि इजीली समझ में आएगा। ये देखिए पी क्यू आर और एस, अब इसको हम लोग शो करना है कि पैरेललोग्राम में, देखिए पी का वैल्यू कितना है माइनस वन कॉमा फोर कोऑर्डिनेट, क्यू का कितना है क्यू का वैल्यू है हम लोगों को फाइव कॉमा इलेवन अपॉन में टू, आर का वैल्यू कितना है देखिए आर का वैल्यू है सेवनटीन अपॉन टू कॉमा माइनस वन, और एस का वैल्यू कितना है यह फाइव बाई टू कॉमा माइनस फाइव अपॉन में टू। अब इसको हम लोग शो करना है क्या है पैरेललोग्राम, इसके लिए क्या होना चाहिए इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए अपोजिट साइड का स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, जैसे इसका अपोजिट साइड का स्लोप यदि इक्वल हो जाएगा क्या हो जाएगा लाइन पैरेलल हो जाएगा, सिमिलरली इसका और इसका स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए तो ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे, मान लो इसका स्लोप एम वन है इसका स्लोप हो गया एम टू, एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। देखिए आगे देखिए इसके बाद लिखे हैं नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको मान लेते हैं क्या है एम वन, फॉर्मूला सेम रहेगा स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा जो दो पॉइंट दिया रहेगा वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। आगे देखिए एम वन, एम वन देखिए पी क्यू के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो वाई टू कितना इलेवन बाई टू माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है फोर अपॉन में एक्स टू का वैल्यू फाइव माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना निगेटिव वन, तो ब्रैकेट देंगे यहाँ पे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा टू इलेवन माइनस फोर टू या एट अपॉन में ये हो जाएगा फाइव, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा एम वन इक्वल टू हो जाएगा इलेवन में से एट जाएगा तो हो जाएगा थ्री अपॉन में टू, इसके नीचे में कितना हो गया सिक्स, ये हो जाएगा थ्री अपॉन में टू इसके नीचे में सिक्स है और यहाँ पे वन डाल दीजिए ये हो जाएगा थ्री अपॉन में टू इंटू वन अपॉन में सिक्स, तो कितना हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए टू से, एम वन का स्लोप कितना निकल गया हम लोगों को वन अपॉन फोर निकल गया क्योंकि वन टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, एम वन का वैल्यू कितना होगा वन अपॉन फोर। अब हम क्या करेंगे देखिए पी क्यू का स्लोप तो निकाल लिए हैं, इसके ठीक अपोजिट साइड का स्लोप यहाँ पे निकालें पी क्यू और यहाँ पे एस आर का स्लोप निकालें, ये आर एस का स्लोप निकालिए एक ही बात एस आर आर एस एक ही है, लिखेंगे स्लोप ऑफ आर एस, इसको मान लेते हैं स्लोप क्या मानते हैं एम टू माने हैं ठीक है, ये हो जाएगा एम टू, फॉर्मूला सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट कर दीजिए एम टू। देखिए आर एस के लिए क्या है देखिए आर एस के लिए अल्फाबेट पहले आर आता था एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू का वैल्यू कितना है माइनस फाइव बाई टू माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है देखिए वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस वन, यहाँ पर क्या करें ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू कितना है एक्स टू का वैल्यू है फाइव अपॉन टू माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है प्लस सेवनटीन अपॉन टू, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन में टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा एज इट इज फाइव अपॉन टू माइनस सेवनटीन अपॉन में टू। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए
ये हो जाएगा एम टू इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव अब प्लस टू अपॉन में टू, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फाइव माइनस सेवनटीन, ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए टू में से फाइव जाए तो हो जाएगा माइनस थ्री, अब फाइव में से सेवनटीन जाए तो कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, थ्री वन जा थ्री फोर जा, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर। देखिए M2 का स्लोप कितना हो गया वन अपॉन फोर, तो देखिए दोनों स्लोप आपस में इक्वल हुआ ना, देखिए यहाँ पे M1 वन अपॉन फोर और M2 कितना हो गया वन अपॉन फोर, दोनों स्लोप आपस में इक्वल हुआ। देखिए ये स्लोप और ये स्लोप आपस में इक्वल हुआ, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे PS और PS और QR का स्लोप हम निकालेंगे। तो PS का स्लोप मान लेते हैं ये M3 है और ये मान लेते हैं M4 है, यदि ये भी आपस में इक्वल हुआ तो ये भी लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए स्लोप ऑफ PS निकालेंगे, PS को डिनोट किया M3 से, तो PS देखिए यहाँ पे है PS अल्फाबेट में पहले P आता है उसके बाद S आता है, X1 Y1 X2 Y2, तो Y2 को भेजो माइनस फाइव बाई टू, यहाँ पे पुट कीजिए M3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू माइनस, देखिए यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2, Y2 का वैल्यू कितना माइनस फाइव बाई टू माइनस Y1, Y1 का वैल्यू कितना पॉजिटिव फोर, ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में X2, X2 का वैल्यू फाइव अपॉन में टू माइनस X1 का वैल्यू कितना है माइनस वन, यहाँ पे क्या करें ब्रैकेट लगाएंगे, सॉल्व कीजिए इसको, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा टू, ये हो जाएगा माइनस फाइव और ये हो जाएगा माइनस टू फोर या एट अपॉन में कैल्सियम टू, ये हो जाएगा फाइव, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और टू वन जा हो जाएगा टू, ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एम थ्री का स्लोप एम थ्री कितना हो जाएगा माइनस फाइव माइनस एट, तो माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का अपॉन में सेवनटीन, एम थ्री का वैल्यू कितना हो गया माइनस थर्टीन अपॉन सेवन, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं ये कितना हो गया माइनस थर्टीन अपॉन में सेवन। ओके और हम क्या करेंगे क्यू आर का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर, इसको हम बोलते हैं एम फोर, फॉर्मूला सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। एम फोर देखिए क्यू आर के लिए क्यू पहले आता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वाई टू का वैल्यू कितना माइनस वन माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है पॉजिटिव में है इलेवन अपॉन टू, तो ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू कितना है सेवनटीन अपॉन में टू माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू है फाइव, ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं पॉजिटिव में है। यहाँ पे इसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा टू, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस इलेवन अपॉन में ये होगा सेवनटीन, यहाँ पे टू ले लीजिए ये हो जाएगा एलसीएम टू फाइव हो जाएगा टेन, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को एम फोर इक्वल टू माइनस टू माइनस इलेवन तो माइनस थर्टीन अपॉन में सेवनटीन में टेन जाएगा तो हो जाएगा सेवन, एम फोर इक्वल टू हम लोग मिल गया माइनस थर्टीन अपॉन में सेवन। अब यहाँ पे देखिए एम थ्री और एम फोर आपस में क्या इक्वल है माइनस थर्टीन अपॉन सेवन और यहाँ पे माइनस थर्टीन अपॉन सेवन। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर देखिए M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू, देखिए M1 और M2 आपस में क्या था इक्वल है, देखिए M1 और M2 आपस में क्या इक्वल, M1 का स्लोप कितना आया था वन अपॉन फोर और M2 का भी स्लोप क्या आ गया वन अपॉन फोर, ये दोनों आपस में इक्वल था, M1 इक्वल टू M2 किसके इक्वल आया था वन अपॉन फोर पिछले पेज में। अब M1 और M2 किस लाइन का स्लोप है, देखिए M1 है PQ का और M2 किसका RS का, जब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल हो इसका मतलब है दोनों लाइन क्या हो गया पैरेलल, लेकिन देयरफॉर PQ इक्वल PQ पैरेलल किसके हो जाएगा RS के, एंड M3 इक्वल टू M4 कितना माइनस थर्टीन अपॉन सेवन, रिजल्ट ऑल निकालें M3 और M4 किसके इक्वल आया, देखिए M3 और M4 किसके इक्वल है माइनस थर्टीन अपॉन सेवन के, M3 और M4 किस लाइन का स्लोप है, देखिए M3 है PS का और यह QR का, लिखें देयरफॉर PS पैरेलल टू किसका QR का, अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, देखिए ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा
ये PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।